मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दिस इज लेक्चर नंबर थ्री ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन एंड टूडे वी हैव वी आर गोइंग टू सी अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स तो आज हम कुछ नए टाइप के एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बेसिक्स के साथ सारे जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करना है तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ डिफरेंट uh, टाइप के एडजस्टमेंट्स करवाए थे आई होप कि आपके वो सारे एडजस्टमेंट्स क्लियर होंगे अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ तो वहाँ से आप उस वीडियो को पहले चेक करें बिकॉज ये सारे जो सीरीज है या जो सारे जो लेक्चर्स है इसका एक दूसरे से लिंक है सो डोंट मिस एनी लेक्चर सो दैट योर नेक्स्ट लेक्चर विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट इफ यू मिस द प्रीवियस सेशन तो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू कवर सम और द इम्पोर्टेंट पार्ट आज हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के के कुछ कुछ डिफरेंट टाइप एडजस्टमेंट्स उसके उसके साथ कुछ basics, उसके साथ बेसिक्स कैपिटल रिडक्शन का जो लेजर है वो किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन लेक्चर नंबर थ्री ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन Our question number third, we are going to solve of internal reconstruction. And if you see the question, uh, the question says Ashish Limited provides you the following information for the year ended 31st March 2020. We are having uh, 40,000 equity shares of 10 each, amount is rupees 4 lakhs, 12% reference shares, face value 100 diya hua hai. इन परसेंट डिवेंचर्स ऑफ हंड्रेड इच अमाउंट एट लैक्स दिया है क्रेडिटर्स है हमारे पास एक लाइबिलिटी और एक नया लाइबिलिटी आज हमारे पास है दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स फर्दर आगे बढ़ते हैं ऑन दाइड वी आर हैरी फर्नीचर एंड फिटिंग्स इन्वेस्टमेंट डेटर्स कैश एंड टूडे वी आर हैविंग टू फिकटीश अमारे पास फिक्टीश्स है नंबर वन इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड नंबर सेकंड इज पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है सारी चीजें सीखेंगे वन बाय वन एंड विद दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ लेजर ऑफ कैपिटल रिडक्शन तो आई होप कि आपके पिछले पॉइंट सारे क्लियर होंगे सो so दैट आपको ये जो क्वेश्चन है काफी इजी तरीके से समझ में आए तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ नए एडजस्टमेंट के साथ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स को दी एडजस्टमेंट्स आर गिवन इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस फ्रॉम रूपीज टेन टू रूपीज फोर आउट ऑफ विच रूपीज यहां पे टू है काफी इंपॉर्टेंट तो इट्स थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है तो रूपीज टू विल बी इक्विटी शेयर एंड रूपीस टू विल बी प्रेफरेंस शेयर तो इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है ध्यान से देखो अभी मैं इसको आपको यहां पे लिख के बताता हूं ठीक है देखो कैसे करना है इक्विटी का फेस वैल्यू क्या है इक्विटी का फेस वैल्यू टेन है अभी हम टेन के वैल्यू को रेड्यूस करने वाले है टू रूपीज फोर सो so, टेन के वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं फोर रूपीज तक लाने वाले है लेकिन ये फोर रुपीज के दो पार्ट हुए है जो आपका टू रूपीज रहेगा वो आपका इक्विटी शेयर्स होगा एंड जो रिमेनिंग टू रूपीज होगा वो आपका फाइव परसेंट प्रेफरेंस शेयर होगा तो इसको किस तरीके से करना है ध्यान से फिर से एक बार आई विल टेल यू आ, फेस वैल्यू इज टेन रूपीज गिवन इन द क्वेश्चन टेन so, रुपीज का फेस वैल्यू फोर रुपीज तक लाना है लेकिन ये फोर में से टू रुपीज इज योर इक्विटी शेयर एंड रिमेनिंग टू रुपीज इज योर प्रेफरेंस शेयर तो फ्रॉम दिस टेन अगर हम फोर को माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आता है सिक्स रुपीज तो ये आपका सिक्स कहाँ पे जाएगा कैपिटल रिडक्शन में हमने कल भी डिस्कस किया था जो भी बाय की वैल्यू है वही हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करते हैं एंड जो टू की वैल्यू है वो हम इक्विटी या प्रेफरेंस जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है उस बेसिस पे हम ट्रांसफर करते हैं चलो आगे बढ़ते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखना ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है ट्वेल्व परसेंट प्रेफरेंसर्स आर टू बी कन्वर्टेड इंटू थर्टीन परसेंट प्रेफरेंस ऑफ सिक्स इट्स अ कॉमन एडजस्टमेंट विच वी हैव इन द प्रीवियस लेक्चर नाइन परसेंट डिवेंचर्स टू बी कन्वर्टेड इंटू एट परसेंट डिवेंचर ऑफ रुपीज सिक्स लैक्स तो यहाँ पे डिवेंचर्स की डायरेक्टली आपको वैल्यू दे दी है प्रोविजन फॉर टैक्स इस क्वेश्चन का नया एडजस्टमेंट है तो प्रोविजन फॉर टैक्स को आप मार्क करके रखे फोर्थ नंबर इज द न्यू एडजस्टमेंट एंड फर्स्ट नंबर इज अडजस्टमेंट द प्रोविजन फॉर टैक्स इज सेटल्ड फॉर रूपीज टू लैक एन देखते हैं क्या करना है आगे हम जनरल एंट्रीज करने वाले हैं फर्दर असेट्स रीवैल्यूड प्लांट एंड मशीनरी के लिए रिवैल्युएशन फिगर है फर्नीचर के लिए रिवैल्युएशन फिगर है इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिवैल्युएशन फिगर है ऐसा सबके लिए रिवैल्युएटेड फिगर यहाँ पे दिए हुए है इन्वेस्टमेंट्स के लिए फाइव लैक्स है और लास्ट में हमारा कॉमन एडजस्टमेंट विच इज कॉल्ड फिफ्टीश अट्स टू बी रिटर्न ऑफ तो किस तरीके से करना है आइए स्टार्ट करते हैं वी विल सॉल्व द क्वेश्चन विथ जर्नल एंट्रीज एज वेल एज विथ लेजर कैपिटल रिडक्शन ऑल्सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सबसे पहला स्टेप इक्विटी शेयर्स के लिए एंट्री करना है तो ध्यान से पहले मैं एंट्री कर लेता हूं फिर आपको क्वेश्चन के पॉइंट्स बताता हूं देखो इक्विटी शेयर के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या होगा एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड वन मोर आएगा टू प्रेफरेंस भी है एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे टू फाइव परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लेट अस सी यहां पे प्रेफरेंस क्यों आया है देखो यहां पे हम चेक करें तो मैंने आपको यहां पे पहली बार अभी जब हमने कैलकुलेशन सीखा था तब तो बताया था फेस वैल्यू कितना है टेन है टेन का वैल्यू कितना हुआ फोर हुआ फोर में से दो रुपया जो है वो क्या बनेगा इक्विटी शेयर्स और रिमेनिंग टू रुपीज जो है वो क्या बनेगा प्रेफरेंस शेयर्स तो इसीलिए टू के जगह पे इक्विटी शेयर्स भी आया है एंड प्रेफरेंस शेयर्स भी आया है दोनों के दोनों शेयर्स क्यों आए बिकॉज हमने क्या किया फोर रुपीज में से आधा पार्ट इक्विटी कर दिया एंड हाफ पार्ट हमारा प्रेफरेंस हुआ तो दैट इज वाई टू रुपीज हमारा इक्विटी शेयर्स है एंड रिमेनिंग टू रुपीज हमारा प्रेफरेंस शेयर्स है तो अभी अमाउंट किस तरीके से लिखना है देखो अमाउंट लिखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हमें क्या करना है क्वेश्चन में से अमाउंट देखना है तो हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन में कितना अमाउंट है क्वेश्चन में अमाउंट है 4 ,00 ,00. तो हमें क्वेश्चन में मैंने देखा तो क्वेश्चन में अमाउंट दिखा मुझे फोर लैक्स तो अभी हम क्या करेंगे सबसे पहला स्टेप फोर लैक्स को डेबिट साइड कॉपी करेंगे तो चलो इक्विटी शेयर के डेबिट साइड में मैंने लिख दिया फोर लैक्स ठीक है अब उसके बाद हमें क्या करना है नंबर ऑफ शेयर ऑफ शेयर ऑफ शेयर में दिए हुए ,00 मल्टीप्लाइड बाय चेक कर लो एक बार यहां कैलकुलेशन किया Equality का कितना है टू है प्रेफरेंस का भी टू है तो फोर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय टू रूपीज फोर्टी थाउजेंड इंटू टू कितना आएगा एटी थाउजेंड प्रेफरेंस का भी कितना है सेम है फोर्टी थाउजेंड इन टू टू दट इज ऑल्सो एंड सो फोर लैक्स में से अगर हम वन लैख सिक्सटी को माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा टू लैख फोर्टी थाउजेंड ठीक है कैलकुलेशन इज वेरी इजी बट जस्ट यू हैव टू हैिमेंबर हाउ टू कैलकुलेट सो स्टेप नंबर वन कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन दी अमाउंट गिवन स्टेप नंबर टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय योर रेट कितना बेसिस पे उसका रेट हुआ है ठीक है ध्यान से देखना किस तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे एक बार आपको करके बताता हूं ठीक है देखो किस किस तरीके से हमने लिखा था किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है एक बार चेक कर लेना देखो फेस वैल्यू कितना था टेन था टेन का वैल्यू कितना हुआ फोर हुआ इस फोर के दो पार्ट्स हुए हमारा टू क्या था इक्विटी और रिमेनिंग टू क्या था प्रेफरेंस इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ध्यान से ओके okay? चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं सेकेंड नंबर का एंट्री करेंगे सेकेंड एंट्री सेकेंड एंट्री के लिए एडजस्टमेंट देखते हैं प्रेफरेंस का एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड 12 परसेंट शेयर्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू 13 थर्टीन परसेंट प्रेफरेंसर्स ऑफ रुपीज सिक्सटी इच ट्वेल्व परसेंट प्रेफरेंशर्स को हमने कन्वर्ट किया कितने में थर्टीन परसेंट प्रेफरेंशर्स में मैंने कन्वर्ट कर लिया है तो उसको अभी किस तरीके से करना है चेक कर लेते हैं ठीक है एक बार एंट्री कर लेते हैं फिर बाकी का कैलकुलेशन सीखेंगे एंट्री है 12 परसेंट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कन्वर्ट कितने में हुआ थर्टीन में हुआ है टू थर्टीन परसेंट शेयर कैपिटल अकाउंट और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ठीक है अब आपको क्या करना है क्वेश्चन में से अमाउंट देखना है क्वेश्चन में कितना अमाउंट है प्रेफरेंस का तो देखो क्वेश्चन में अमाउंट है टू लैक्स तो सबसे पहले आपको क्या करना है कॉपी करना है देखो प्रेफरेंस में यहां पे लिखेंगे टू लैक्स सेकेंड सो यहां पे कितना लिखेंगे हम टू लैक्स, तो प्रेफरेंस में मैंने वैल्यू लिख दी टू लैक्स देखो इसका फेस वैल्यू क्या है टू लैक्स को अगर हम हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो ये दो जीरो कैंसिल दो जीरो कैंसिल कितने शेयर्स आएंगे टू थाउजेंड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एक बार प्रेफरेंस के लिए फिर से एडजस्टमेंट देखो देखो प्रेफरेंस कितना हुआ 60 बना तो मैं यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख के दिखाता हूं हंड्रेड रुपीज का वैल्यू था कितना बना 60 बना तो डिफरेंस कितना है फोर्टी कहाँ पे ट्रांसफर होगा कैपिटल रिडक्शन में ठीक है अभी हम हाँ मल्टीप्लाई करेंगे टू थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी तो सिक्स टू 1 लाख ट्वेंटी थाउजेंड और टू लैक्स में से वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा एटी थाउजेंड दैट इज योर जर्नल एंट्री नंबर सेकेंड प्रेफरेंस का मैंने सारे कैलकुलेशन आपको साइड में करके दिखाया है, है तो आप अपने बुक्स में भी इसको प्रॉपरली लिख लेना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट इज नाइन परसेंट डिवेंचर्स टू बी कन्वर्टेड इन टू एट परसेंट डिवेंचर्स ऑफ रूपीज सिक्स लैक्स तो नाइन परसेंट डिवेंचर्स की वैल्यू चेक कर लो क्वेश्चन में कितनी है इट्स एट लैक्स कन्वर्ट कितने में हुआ सिक्स लैक्स ,00 में तो एंट्री नंबर थर्ड कर रहा हूं ध्यान से देखना फिर अमाउंट लिखेंगे एंट्री नंबर थ्री नाइन परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कितने कन्वर्ट हुआ है कन्वर्ट का वैल्यू देखो परसेंटेज देखो एट परसेंट डिबेंचर्स में कन्वर्ट हुआ है तो नाइन परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू एट परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अब नाइन परसेंट डिवेंचर्स की वैल्यू कितनी है आपके क्वेश्चन में नाइन परसेंट डिवेंचर्स की वैल्यू देखो नाइन परसेंट डिवेंचर्स की वैल्यू है एट लैक्स ठीक है एट परसेंट डिवेंचर्स की वैल्यू कितनी है सिक्स लैक्स एडजस्टमेंट में दिया है तो आपको क्या करना है नाइन परसेंट डिवेंचर्स में लिखना है एट लैक्स एट परसेंट डिबेंचर में लिखना है सिक्स लैक्स तो एट लैक्स में से सिक्स लैक्स गया कितना बचा डिफरेंस दैट विल बी टू लैक्स तो टू लैक्स इज योर डिफरेंस एंड दैट इज योर कैपिटल रिडक्शन इसका मतलब क्या होता है कि नाइन परसेंट डिवेंचर होल्डर्स जो थे उनको हमें एट लाख रुपीज़ देने थे लेकिन हमने उनको कन्वर्ट कर लिया एट परसेंट डिवेंचर्स में तो वैल्यू हमने क्या कर दी कम कर दी सिक्स लैक्स तो एट लैक्स देने थे सिक्स लैक्स दिए तो दो लाख हम नहीं दे पाए हमारे लिए अच्छा है हम नहीं दे पाए बिकॉज हमारे लिए प्रॉफिट है तो सिंस इट इज़ अ प्रॉफिट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर कभी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होता है और अगर लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन क्या होता है डेबिट होता है तो दैट विल बी द पॉइंट तो ये था हमारा एंट्री नंबर थ्री एंट्री नंबर फोर में जाते हैं देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर टैक्स वॉर सेटल्ड फॉर रूपीज टू लैक टेन तो मैं आपको यहां पे पहले करके बताता हूं देखो कैलकुलेशन किस तरीके से है यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स की अमाउंट कितनी है सो वी आर हैविंग द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स की अमाउंट है टू लैक्स ठीक है तो ये हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स की अमाउंट क्वेश्चन में दी है टू लैख रूपीज अब एडजस्टमेंट में देखा तो एडजस्टमेंट बोलता है प्रोविजन फॉर टैक्स वॉज फुलटल्ड सेटल्ड का मतलब मैंने आपको बताया था सेटल्ड का मतलब होता है पेड और जब भी पेड वर्ड आएगा हमेशा आपको याद रखना है बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा तो अभी कितना सेटल्ड कर रहे हैं हम सेटल्ड कर रहे हैं टू लैक्स टेन थाउजेंड ठीक है ध्यान से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो हमें कितना पेमेंट करना था टू लैक्स लेकिन हम तो पे कर रहे हैं दस हजार देर बाय टू लैख टेन थाउजेंड देर माइट बी एन नंबर ऑफ रीजन फॉर दैट इनकम टैक्स ने कुछ पेनल्टी लगाया होगा इसीलिए हमको दस हजार एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है तो अब ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट हमें करना है हमारे लिए दस हजार का लॉस है या प्रॉफिट है तो आप बोलेंगे सर लॉस है के लिए दो लाख देना था दो लाख दस हजार दे रहे तो दस हजार हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है लॉस है तो लॉस में मैंने आपको क्या रूल बताया था कैपिटल रिडक्शन क्या होता है डेबिट होता है ध्यान से हाँ अभी इंपॉर्टेंट है काफी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एंट्री अगर आपको समझ में आई तो आगे के सारे बेसिक्स आपके क्लियर है और ये एंट्री में स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे कि लॉस है तो डायरेक्टली लॉस का एंट्री करते हैं हम यहाँ पे पूरा लॉस का एंट्री के साथ सेटलमेंट का भी एंट्री पास करने वाले अभी देखो किस तरीके से इसका एंट्री होगा लेट अस चेक एंट्री नंबर फोर्थ पहले मैं एंट्री करता हूं फिर आपको अमाउंट यहां पे बताता हूं एंट्री होगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट लॉस हुआ था इसीलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट और हम पेमेंट करने वाले हैं इसीलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट ओके अभी देखो किस तरीके से अमाउंट लिखना है प्रोविजन फॉर टैक्स की अमाउंट कितनी थी टू लैक्स था हमें कितने का लॉस हुआ टेन थाउजेंड का लॉस हुआ तो टू लैख और टेन थाउजेंड हमने कितना पेमेंट किया हमने पेमेंट कितना किया हमने पेमेंट किया टू लैक्स तो हमारे लिए प्रॉफिट होता कैपिटल रिडक्शन को हम क्रेडिट करते हैं कैपिटल रिडक्शन को मैंने यहाँ पे डेबिट किया है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जाएंगे नेक्स्ट इज अट्स रिवैल्यूड प्लांट एंड मशीनरी फोर लैक्स फर्नीचर फिटिंग्स टू लैक् सेवेंटी फाइव एंड इन्वेस्टमेंट फाइव लैक्स तो ये स्टूडेंट्स वेन एवर देर इज एडजस्टमेंट ऑफ एनी असेट्स री वैल्यूड आप डायरेक्टली एंट्री करने में ना जाए एंट्री आपको डायरेक्टली नहीं करनी है आपको क्या करना है सबसे पहले असेट्स के वैल्यू को देखना है और वैल्यू देखने के बाद ये देखना है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है या वैल्यू डिक्रीज हो रही है अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमारे लिए प्रॉफिट है कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा और अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमारे लिए लॉस है कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा एक बार चेक कर लेते हैं जो मैं बोल रहा हूं वो हम लोग अप्लाई करके देखेंगे देखो अगर हम प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देखें ऊपर तो वो थ्री लैक्स ,00 है एडजस्टमेंट में कितना हो रहा है फोर लैक्स ,00 मतलब यहाँ पे थ्री लैक्स ,00 है यहाँ पे फोर लैक्स ,00 है वैल्यू बढ़ रही है नेक्स्ट है फर्नीचर फर्नीचर की वैल्यू देखो यहाँ पे टू लैक्स ,00 है एडजस्टमेंट में टू लैक्स सेवेंटी फाइव थाउजेंड है इसका मतलब होता है एडजस्टमेंट में वैल्यू बढ़ रही है क्वेश्चन एंड इन दाइव लैक्स तो तीनों के तीनों असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वेन एवर द वैल्यू इनक्रीजेस इट इज कॉल्ड एज एप्रीसिएशन एंड वेन एवर द वैल्यू डिक्रीजेस इट इज कॉल्ड एज डेप्रीसिएशन तो वैल्यू जब भी एप्रीसीट होगी तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा और सिंस हमारे लिए प्रॉफिट होगा कैपिटल रिडक्शन हमेशा क्रेडिट होगा और अगर वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमारे लिए लॉस होगा और अगर हमारे लिए लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्या करना है यस यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट इज डेबिटेड तो अभी मैं यहाँ पे एंट्री नंबर फाइव कर रहा हूँ ध्यान से चेक करना एंट्री नंबर फाइव किस तरीके से होगा तो जितने भी हमारे असेट्स थे कौन से कौन से असेट्स थे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट ठीक है दूसरा असेट कौन सा था फर्नीचर तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स था मैं सिर्फ फर्नीचर लिख रहा हूं अकाउंट डेबिट तीसरा असेट कौन सा था इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ठीक है ध्यान से अभी अमाउंट लिखेंगे अमाउंट किस तरीके से लिखना है देखो ध्यान से पहले अमाउंट का लिए डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है देखो फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी कितना था क्वेश्चन में थ्री लाख यहाँ पे फोर लाख तो कितना आएगा डिफरेंस वन लाख तो प्लांट एंड मशीनरी में पहले वन लाख लिख लेते हैं एक एक कैलकुलेट करेंगे ठीक है चलो प्लांट एंड मशीनरी में, में मैंने यहाँ पे लिखा वन लाख ठीक है फर्नीचर में कितना है फर्नीचर के लिए देखते हैं फर्नीचर का डिफरेंस कितना है फर्नीचर फर्नीचर के लिए वैल्यू है टू लैक्स एडजस्टमेंट में है टू लैख सेवेंटी फाइव तो कितने से बढ़ रहा है फाइन मतलब चलो इन्वेस्टमेंट्स में जाते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्वेश्चन में वैल्यू है थ्री लैक्स एडजस्टमेंट में कितनी वैल्यू है एडजस्टमेंट में वैल्यू है फाइव लैक्स इसका मतलब टू लैख से बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ रहा है टू लैख से बढ़ रहा है तो टू लैक्स टोटल करना है टू लैख प्लस वन लैख

सेकेंड लास्ट एंट्री है नंबर सिक्स क्या होगा एंट्री यस यू आर राइट कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू पब्लिसिटी एक्सपेंसेस ठीक है मैंने शॉर्टकट लिया है ध्यान से दोनों के लिए कितना अमाउंट है वन लैक्स तो इसका टोटल कितना आ जाएगा टू लैक्स सो दैट इज अवर पॉइंट एक लास्ट एंट्री है नंबर सेवन सारे एंट्रीज होने के बाद हम लास्ट एंट्री करते हैं एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कैसे सोल्व करना है मैंने आपको कल भी बताया था सोल्व करते वक्त जितने भी बार कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है ये देखो क्रेडिट क्रेडिट पे है तो एक बार फिर से यहाँ पे रूल लिखता हूं जितने बार कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है वो ऐड करो जितने बार कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है उसे लेस करो और जो भी आंसर मिलेगा वो आपका फाइनल एंट्री का आंसर होगा सो so, मैं भी अभी कैलकुलेट कर लेता हूं क्योंकि हमें लेजर बनाना है सिंस हमें लेजर बनाना है तो लेजर के लिए कैपिटल रिजर्व के अमाउंट जरूरी है तो आप भी एक बार कैलकुलेट कर लेना ताकि हम लेजर बनाते वक्त हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो सो आई विल ऑल्सो कैलकुलेट यू ऑल्सो कैलकुलेट एंड वी विल मैच द आंसर अकॉर्डिंगली जितने बार क्रेडिट हुआ है उनको प्लस करना जितने बार डेबिट हुआ है उनको माइनस करना ठीक है देखो क्रेडिट है टू लैख फोर्टी फिर एटी थाउजेंड का क्रेडिट है फिर टू लैक्स ,00 का क्रेडिट है फिर इधर दस हजार डेबिट हुआ है यहाँ पे माइनस करना है यहां पे थ्री लैख सेवेंटी फाइव क्रेडिट है यहां पे प्लस करना है टू लैक्स डेबिट है यहाँ पे माइनस करना, ,00 करना है तो मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं आप भी कैलकुलेट कर लेना ठीक है सो so, कुछ आंसर मिल रहा है सिक्स लैक एटी फाइव थाउजेंड राइट ओवर हियर So, इसका आंसर आ रहा है सिक्स लाख एटी फाइव इज़ अवर अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व सो कैपिटल रिजर्व मिलने के बाद यहां तक तो हमने सीख लिया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में अब हमें क्या कर रहा है अभी अभी हमें लेजर बनाना है अभी लेजर कैसे बनाना है देखो लेजर बनाने के लिए आपके कॉलम्स क्या होंगे डेट फिर पर्टिकुलर्स एक कॉलम जे एफ एक अमाउंट फिर से डेट पर्टिकुलर्स, जे एफ और अमाउंट ठीक है अभी ये हेडिंग है इसका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हमारा डेबिट साइड है इज अवर डेबिट साइड एंड दिस इज अवर क्रेडिट साइड सिंपल एंट्री है तो इसका फॉर्मेटिंग आप प्रॉपरली कर लेना मैं आपको बेसिक समझाता हूं हमको हम क्या करना है जर्ल एंट्री चेक करना है जरल एंट्री में अगर कैपिटल रिडक्शन डेबिट है तो डेबिट साइड लिखूंगा जर्रल एंट्री में अगर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखूंगा जैसे एंट्री नंबर वन में देखो एंट्री नंबर वन में कैपिटल रिडक्शन क्या है क्रेडिट है तो एंट्री नंबर वन में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है इसका मतलब जब हम जर्ल एंट्री से पोस्टिंग करते हैं लेजर में तो लेजर में हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड लिखेंगे अगर जर्ल एंट्री में क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखना जरल एंट्री में डेबिट है तो डेबिट साइड लिखना यहां पे आएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल और अमाउंट कौन सी लिखनी है अमाउंट आपको लिखनी है कैपिटल रिडक्शन की टू लैख फोर्टी थाउजेंड एंट्री नंबर वन सो आई विल राइट ओवर हियर अमाउंट so है हमारी टू लैक्स फोर्टी थाउजेंड ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर सेकेंड एंट्री में चेक करते हैं सेकेंड एंट्री में क्या है सेकेंड एंट्री में भी क्रेडिट है एटी थाउजेंड से तो क्रेडिट में लिखूंगा क्या लिखेंगे हम क्रेडिट में बाय ट्वेल्व परसेंट प्रेफरेंशियर कैपिटल एटी थाउजेंड फर्दर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में एंट्री नंबर थर्ड में भी क्रेडिट है टू लैक्स ,00 तो अगेन क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या लिखेंगे बाय नाइन परसेंट डिवेंचर कितनी अमाउंट है नाइन परसेंट डिवेंचर्स अमाउंट है एटी थाउजेंड डू नॉट राइट सॉरी अमाउंट है टू लैक्स डू नॉट राइट अमाउंट ऑफ नाइन परसेंट डिवेंचर्स राइटिंग दी अमाउंट ओनली ऑफ कैपिटल रिडक्शन तो कितनी अमाउंट है यहाँ पे टू लैक्स ,00 है तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू लैक्स ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट में प्रोविजन फॉर टैक्स पे देखो कैपिटल रिडक्शन क्या है डेबिट है दस हजार से तो डेबिट साइड अभी हम लिखने वाले हैं ध्यान से देखना डेबिट साइड लिख रहा हूं डेबिट साइड क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट जो क्रेडिट हुआ उसका नाम लिखना है कितना लिखेंगे टेन थाउजेंड ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में ये भी हो गया अभी नेक्स्ट कैपिटल रिडक्शन क्या हुआ है क्रेडिट हुआ है थ्री लैख सेवेंटी फाइव लेकिन डेबिट कितने हुए तीन तो तीनों असेट का नाम लिखना एक एक करके तो आएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी बाय फर्नीचर एंड बाय इन्वेस्टमेंट्स तीनों के अमाउंट लिखो एक एक करके कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस है थ्री लैख सेवेंटी फाइव तो अगर तीनों लिखेंगे तो भी थ्री लैख सेवेंटी फाइव आएगा अलग अलग लिखना है वन लाख फिर सेवेंटी फाइव फिर टू लैक्स ठीक है तो चलो यहां पे लिखते हैं वन लैक्स फिर सेवेंटी फाइव थाउजेंड और यहां पे टू लैक्स चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे कैपिटल रिडक्शन टू प्रिलिमिनरी टू पब्लिसिटी तो सिमिलर डेबिट साइड में जाएंगे कैपिटल रिडक्शन टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू पब्लिसिटी एक्सपेंसेस दोनों के अमाउंट कितनी है वन लैख वन लैख वन लैख ओके फिर लास्ट एंट्री देखते हैं जो हमने कैलकुलेट किया था कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व सिक्स लाख एटी फाइव तो यहां पे डेबिट साइड आएगा टू कैपिटल रिजर्व सिक्स लैख एटी फाइव थाउजेंड दैट इज पॉइंट्स अब आपको क्या करना है टोटल करना है दोनों साइड की टोटल को टैली करना है अगर दोनों साइड का टोटल सेम आया तो हमारा आंसर राइट है अगर दोनों साइड के टोटल में कोई डिफरेंस आया तो हमने लेजर पोस्टिंग में कुछ गलती की है वो आपको ध्यान रखना है तो यही था आपका आज का पार्ट कैपिटल रिडक्शन का वी हैव कवर्ड द एडजस्टमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स विच वॉज आस्क इन द यूनिवर्सिटी पेपर्स प्रीवियसली प्रीवियस एग्जाम्स में ये एडजस्टमेंट्स पूछे गए थे सिर्फ वहाँ पे कुछ अमाउंट अलग थे हमने यहाँ पे कुछ अलग अमाउंट से सॉल्व किया है बट आई यूजुअली बिलीव दैट अमाउंट कुछ भी आ जाए अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप कोई भी एंट्री को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो दैट्स इट दिस वाज फ्रॉम द वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा है अभी तक देखा है तो लाइक करे और ये टैली का अमाउंट मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे सो so दैट uh, जो अगले बार हम सेशन uh, लेंगे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन पे उसमें हम वो डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच अगर कुछ कमी लगी है तो कमी भी बताइए ताकि वी विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट अकॉर्डिंगली एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब कर ले बिकॉज मैं इस चैनल के बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते रहूँगा सो so दैट आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर